हेलो गाइस, क्या आप यूके में काम करना चाहते हो? गाइस, यूके में बहुत सारे जॉब्स है और यहाँ पे आपकी कम से कम 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाई होती है। अब मान लीजिए अगर आप यूके में ऑलरेडी जॉब्स ढूंढ रहे हो या आपको जॉब लेना है, आप अभी ट्राई करना चालू करने वाले हो, तो एक समझदार इंसान हमेशा ऐसे जॉब लेना चाहेगा जिसमें स्किल स्केयरसिटी हो, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट स्किल स्केयरसिटी जॉब्स को प्रमोट करती है और इन सभी स्किल स्केयरसिटी जॉब्स में हाउसकीपिंग जॉब सबसे जल्दी मिलता है। सो दोस्तों, हाउसकीपिंग वर्क या क्लीनर का जॉब सबसे जल्दी मिलता है। यहाँ पे वैकेंसीज भी ज़्यादा रहती है और ऐसी वैकेंसीज रहती है जो फिल नहीं हो पाती है, क्योंकि जो भी यूके के सिटीजन्स है या परमानेंट रेसिडेंट्स है वो इससे बेहतर काम करना चाहेंगे। इसलिए आप मैक्सिमम टाइम नोटिस करोगे कि यूके में ज़्यादातर जो प्रोफेशनल जॉब्स है वो यूके सिटीजन्स के लिए ही है या जो वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट्स है उनके लिए ही है। एंड गाइस, यूके में एक क्लीनर 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा लेता है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई 5-स्टार होटल में हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट का काम मिलता है तो आपकी कमाई 2.5 से 4 लाख रुपये महीना आराम से हो सकती है। और यूके में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अब मान लीजिए आप इंडिया में प्रोफेशनल हो लेकिन आपको यूके में जाना है और आप ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप हाउसकीपिंग वर्क में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको जल्दी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी और आप अपना वर्क स्विच भी बहुत ही आराम से कर पाओगे। आप कुछ महीने काम कर लीजिए, आपको जो भी काम मिला है उसके बाद आप नया एम्प्लॉयर ढूंढ के आप वर्क स्विच कर सकते हो। सो गाइस, क्लीनर के जॉब में अगर आप 5वीं पास या उससे ज़्यादा आपकी एजुकेशन है तो भी आपको काम मिल सकता है। यस, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है तो आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगवा लीजिए और थोड़ी बहुत सीख लीजिए। आपको सिर्फ कन्वर्सेशनल इंग्लिश आनी चाहिए, आप बोल पाओ समझ पाओ उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आप जिस देश में जा रहे हो वहाँ पर सभी अंग्रेजी बोलते हैं। एंड गाइस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको क्लीनर का काम मिल सकता है। यस, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। गाइस, अगर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास सबसे पहले एक होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का CV एंड कवर लेटर। उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो गाइस, आपको कोई वर्क वीज़ा दिलवा नहीं सकता है, आपको सबसे पहले जॉब लेना पड़ता है। आपका जो एम्प्लॉयर है वही आपके लिए वर्क वीज़ा इनिशिएट करता है। आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप अकेले इंसान नहीं हो जो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग हैं जो सेम वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को भीड़ में आगे नहीं कर सकते और अगर आपका CV एंड कवर लेटर स्ट्राइकिंग इनफ नहीं है जो आपकी प्रोफेशनलिज्म और लॉयल्टी बता पाए, तो आपको जॉब नहीं मिल सकता। एंड गाइस, काफ़ी लोगों को जॉब्स मिलते रहते हैं हाउसकीपिंग में और आपको भी मिल सकता है। आपको बस रोज़ जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। आप अगर हर रोज़ 1 घंटा दे देते हो जॉब्स के लिए अप्लाई करने में तो आपको कुछ ही महीने में जॉब मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत किए बिना आपको किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल सकती है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी ले जाके बताऊंगा कि आप जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहां कहां पे आपके लिए वैकेंसीज चल रही है जिन पे आप अप्लाई करो तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, आपको एजेंट्स को लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है जॉब लेने के लिए। आप एक अच्छी क्वालिटी का CV कवर लेटर बना लीजिए और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप निरंतर प्रयास करते हो तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CV एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। मुझे रोज़ 500 से ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं तो मैं हर इंसान को रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। अगर आप कोई सर्विस लेते हो और उसके लिए पे करने को तैयार हो तभी मैं आपको अपना पर्सनल टाइम दे सकता हूँ। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस आते रहेंगे जो आपको अब्रॉड में सेटल होने में मदद करेंगे। अगर आपको यूके से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए जिसमें आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती है, और अगर आपको डिफरेंट वीज़ास के बारे में जानना है कि कौन से वीज़ास अवेलेबल है और आप किस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, और अगर इस वीडियो में लाइक एंड शेयर अच्छे आते हैं तो मैं यूके से रिलेटेड और भी वीडियोज़ बनाऊँगा। सो गाइस, आपको हाउसकीपिंग वर्क हर जगह मिलेगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल्स, कॉरपोरेट्स, हर जगह पर आपको मिलेगा। अगर आप यूके में कभी गए हो तो आप नोटिस करोगे कि जो क्लीनर का काम है वो जनरली थर्ड पार्टी कंट्रीज़ को ही मिलता है,
लोग जो इंडिया से है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, कतार, यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं और काम करना चालू करते हैं। आपकी इसमें वेजेस भी बहुत अच्छी होती है, आप 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा लेते हो। तो अगर आपको यूके में जॉब करना है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप ऑलरेडी क्लीनर का काम कर रहे हो या फिर मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हो और आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है तो भी आपके लिए ये काम बहुत सही है। क्योंकि मान लीजिए आपको यूके में जॉब मिल जाता है, उसके बाद आप जॉब चेंज भी कर सकते हो। अब मैं आपको लाइव ले जाके बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है और आप उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, मैं आपको कुछ सर्च टर्म्स में बताऊंगा कि आप कैसे जॉब्स ढूंढ सकते हो। सबसे पहले हमने लिखा है क्लीनर सर्च टर्म, आप कंट्री देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे हमने जैसे किया सो हमें अलग अलग वैकेंसीज दिखने लग गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मर्लिन एंटरटेनमेंट्स, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, इंटर सर्जिकल में है और डेजिग्नेशंस भी बिल्कुल आपको बहुत सारी मिलेगी। विडब्रेड में है, अमय, जैसे हमने क्लिक किया अमय पे, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन भी दिख रहा है। अब आप देख सकते हो ये कंपनी के बारे में बताएगा कि आपको फुल टाइम जॉब है, आपके 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज है इस कंपनी में टोटल, और आपकी वेजेस क्या रहेगी, 9.5 पाउंड पर आवर, वीकली आप 20 घंटे काम कर सकते हो मिनिमम। शिफ्ट्स के बारे में भी आपको बताया है कि आपकी 2 शिफ्ट रहेगी 4-4 घंटे की, मतलब टोटल 8 आवर्स का वर्क टाइम है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनको चाहिए क्या, बेसिकली उनको ये चाहिए कि टीम मेंबर हो जो आपको बोला जाए वो करो, पंक्चुअल रहो, जिस टाइम पे काम करना है उस टाइम पे काम करो, फिर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए केमिकल्स और मशीनरीज के बारे में जो क्लिनिक्स में यूज़ होती है, और आपको मशीन्स को ऑपरेट करते भी आना चाहिए सेफली, नहीं भी आता है तो सिखा देते हैं वहाँ पे, सो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, वो है आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलेगी। कॉम्पिटिटिव सैलरी जब भी बोलते हैं मतलब आपकी 2,000 pounds एंड अबव सैलरी रहेगी, मतलब 2 लाख रुपये महीना से ज़्यादा। आपको एक साल में कम 24 दिन का हॉलीडे रहेगा और बैंक हॉलीडेज अलग, मतलब आपका साल भर में 1 महीने की तो छुट्टी मान लो आप। फिर आपको एडिशनल लीव परचेज भी मिलेंगे, मतलब अनपेड लीव्स टाइप की आपको मिल सकती है। फिर इधर आप देख सकते हो मर्लिन एंटरटेनमेंट्स में फुल टाइम रिजॉर्ट क्लीनर का काम है, यहाँ पे भी 10,000 से ज़्यादा इम्प्लॉयज है, मतलब बड़ी कंपनी है। एक्टिवली हायरिंग, मतलब अभी हायरिंग चल रही है यहाँ पे। आपको फुल टाइम का एक काम रहेगा, 5 दिन काम करना रहेगा 7 में से हफ्ते भर में, 9.5 pounds पर आवर मिलेगा, पेंशन स्कीम अलग, पेंशन अलग से, फ्री टिकट्स मिलेगी मूवीज वगैरह की। सो इनको बेसिकली चाहिए कि आप छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दो और आपको जो भी बोला जाए वो आप उसमें एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करो, एक आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न होना चाहिए, कुछ भी नई चीज़ सीखा है तो आप सीख जाओ, नई टेक्नोलॉजी या कुछ भी एनीथिंग। इसके अलावा आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, 9.5 pounds पर आवर मिलेंगे, प्राइवेट पेंशन स्कीम रहेगी, आपको एवरी मंथ आपका एक EPF जमा होते जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस भी रहेगा आपका, फिर आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी मिलती रहेगी, एम्प्लॉई असिस्टेंस भी रहता है, आपको कोई भी दिक्कत है तो आपका मैनेजर या लीड से आप बात कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैंने दूसरा सर्च टर्म लिखा हो हाउसकीपर, हाउसकीपर भी क्लीनर का ही वर्क रहता है। तो कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, कंपास ग्रुप्स यूके एंड आयरलैंड, ये एक होटल है, यहाँ पे भी आपकी वैकेंसी चल रही है, ये भी बड़ा होटल है, 10,000+ एम्प्लॉयज है, फुल टाइम काम रहेगा, एंट्री लेवल काम है, मतलब फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट इसमें पे रेंजेस बताई नहीं है, बट यूजुअली आपका पे स्केल जो है वो रहेगा 2,000 pounds एंड अबव पर मंथ, 8 घंटे का काम रहता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में भी काम है,
जैसे मैं आपको बताता ही हूँ कि स्कूल्स कॉलेजेस में भी काम रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट सोहो हाउस एंड को, यहाँ पे भी आपको काम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एक मिड साइज कंपनी है, मतलब 5,000 से 10,000 एम्प्लॉयज है यहाँ पे। यहाँ पे आपको 12 पाउंड मिलेगा हर घंटे का, एक बहुत ही अच्छा काम है। और वीकली पे मिलेगी आपको, खाना वगैरह भी फ्री मिलेगा जब भी आप शिफ्ट में रहोगे। आपको सोहो फ्रेंडशिप मेंबरशिप भी मिलेगी, ये एक बेसिकली क्लब हाउस तरीका है छोटा सा। अब इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए कि आप टीम प्लेयर रहो, आप एक टीम में काम करो, क्योंकि बहुत सारे हाउसकीपर्स रहते हैं जो एक साथ काम करते हैं, तो जो बोला जाए वो करो। सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, मतलब जब आपको जो बोला जाए तो आपको करना है, पंक्चुअल रहना है आपको, और ट्रस्टवर्दी रहना, जो भी आप बोलते हो करने का वो उस टाइम पे करो। आपका कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए, जो भी काम बोले आपको, अगर आपका काम चल रहा है तो आप उस टाइम फ्रेम में काम कंप्लीट कीजिए। सो गाइस, ये एक और काम है सरको ग्रुप्स की तरफ से, जो बिसैम में है, इंग्लैंड में। यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है इस कंपनी में। आपको दोनों काम रहते हैं, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। ये पार्ट टाइम की वैकेंसी के बारे में बता रहा है। एंट्री लेवल काम है, मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर पार्ट टाइम काम है तो 3 से 4 दिन आपको हर हफ्ते काम करना पड़ेगा। शिफ्ट टाइमिंग्स दी हुई है, 9.5 पाउंड पर आवर मिलेगा आपको, और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे जैसे PPF वगैरह। और इनको लोग ऐसे चाहिए जिनकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जो मतलब हमेशा खुश रहते हो, और जो काम मिले वो आप कर लो। और जनरली आपकी क्लीनिंग ड्यूटीज रहती है, बेडरूम वगैरह थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड में मेंटेन करना। और दोस्तों, सर्को ग्रुप्स में काम करने का सबसे बेस्ट फायदा है कि आपको जिम मेंबरशिप भी मिलती है। इनफैक्ट आपको खाना भी फ्री मिलता है जब भी आप शिफ्ट्स में रहते हो, तो आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं इन सब चीज़ों में। 6% आपकी पर मंथ पेंशन स्कीम में ऐड होते रहता है, तो वो ओवर द टाइम बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता है अगर आप कुछ साल भी काम कर लेते हो। और बहुत सारा इंजॉयमेंट भी मिलती रहती है वर्क में, मतलब छोटी मोटी पार्टीज वगैरह होती रहती है। सो गाइस, इसी तरीके से आप बहुत सारी जगह पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, हजारों लोग हैं जो सेम वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जॉब लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो गाइस, आपको सबसे पहले अपनी एक ट्रैवल आइटनिटी बतानी पड़ेगी कि आप कहाँ कहाँ पर रहने वाले हो, आपकी जो फ़्लाइट की टिकट है वो सारी चीज़ बतानी पड़ेगी। फिर आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से जो जॉब ऑफर मिला है वो बताना पड़ेगा। फिर आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपको अपने बैंक अकाउंट में सफिशियंट फ़ंड भी बताना ज़रूरी है। वो फ़ंड जनरली 2,000 पाउंड्स एंड अबव होना चाहिए, मतलब 2 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक जनरल हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अब जैसे ही UK में लैंड करते हो तो उसके बाद आपको सबसे पहले तो एक सिम लेनी पड़ती, और एक आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। सो गाइस, काफ़ी सारे ऐसे भी इम्प्लॉयर्स रहते हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप देने को भी तैयार रहते हैं, मतलब आपकी फ़्लाइट की टिकट, पहले मंथ का अकोमोडेशन, मेडिकल टेस्ट, वर्क परमिट, हर चीज़ का खर्चा आपका इम्प्लॉयर उठाने को रेडी हो जाता है, प्रोवाइडेड आप अपने CV एंड कवर लेटर में अपनी प्रोफेशनलिज्म और लॉयल्टी बता पाओ। आपको कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है जॉब लेने के लिए, आपको जॉब मिल सकता है, आपको बस कंसिस्टेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, तो शॉर्टकट्स को ढूंढना छोड़ दीजिए और जॉब्स को अप्लाई करना चालू कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अच्छे आते तो मैं UK से रिलेटेड और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको वीज़ा और स्पॉन्सरशिप्स के बारे में भी और ज़्यादा जानकारी दूंगा। सो मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मयंक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।